इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच लोकसभा के भगवानपुर गांव में, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग हैं माइनॉरिटी के। इनसे बात करना चाहते हैं कि इस बार किसकी सरकार। क्या नाम है आपका? आशिक अली। आशिक अली, मोदी जी ने का नारा है इस बार 400 के पार, इस पर आपका क्या कहना है? हम लोग तो सोचे थे कि मोदी जी का आपकी एक बार और देख लिया जाए, दो बार हो गई है, एक बार और देख लिया जाए। हम लोग यही सोचे थे कि एक बार और देख लिया जाए आपकी। इनका कहना है कि एक बार मोदी जी को मौका दिया जाए और इनका कार्यकाल फिर देख लिया जाए। आपका नाम? शरीफ। शरीफ भाई, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार क्या मूड है आपका, किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो विजय नहीं चाहते, इनके सरकार में कुछ मिला नहीं। 60 साल तक हम तो आवत नहीं है, और दुनिया का खाता खोलाओ, दुनिया का सब चीज करो, कोई चीज में नहीं आवा। एक तो आवास वाला काम नहीं हुआ। क्या आवास का काम नहीं हुआ? 1 साल हो गया कागज बने, और आज तक पैसा नहीं लग पैसा। तो देख लिया जाए कि घर बिल्कुल मैदान में पड़े हैं बच्चे, तो नहीं मिल पाए। आपका नाम? सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन जी, इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की सरकार चाहते हैं, मगर महंगाई थोड़ा बढ़ गई है। इसकी थोड़ा वो है कि तुमने महंगाई ज्यादा बढ़ गई है, थोड़ा परेशानी है कि तुमने महंगाई थोड़ा कम कर दी। दाल देखो 200 रुपया में बिक रहा है, अरहर की दाल, उड़द की दाल 200 रुपये में बिक रहा है। आदमी अगर कमाएगा इतना तो खाएगा कैसे, बच्चे लोग को पालेगा कैसे, यही सब देखना है। बाकी हम चाहते हैं कि मोदी सरकार आए फिर से। आपका नाम क्या है? साजन। साजन, क्या इस बार किसकी सरकार आप चाहते हैं, किसको चुनना चाहते हैं, बीजेपी या गठबंधन? सर, हम ये चाहते हैं, जैसे दो बार हमने संसद चुना, हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ, कभी झांक के आए नहीं देखने, एक बार जाके देखे कोई विकास हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं जैसे राजस्थान में नारा है, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से डर नहीं, कोई वाला ही है। बस संसद हम सही चुनना चाहते हैं, जो हमारे गांव में विकास करे, अच्छा काम करे, शिक्षा दवा अच्छे पे करे, बस ये चाहते हैं। तो फिर इस बार किसकी सरकार? इस बार गठबंधन सरकार। आपका क्या नाम है? मेराज नाम है सर। मेराज, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? मोदी जी ने तमाम विकास कार्य किए हैं, इस बार मोदी सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। ये किसान वाला जो है पैसा आ रहा है, 16वां किस्त हमारा आ गया है, बराबर हमको कोई भी काम है हमको बराबर मिल रहा है, कोई चीज में हमको कोई दखलबाजी नहीं है। ये है कि बस काम गांव का जो काम है, नाली का या खड़ंजे का, ये हम चाहते हैं कि हमारे प्रधान जी जो है काम इतना बढ़िया करवा देंगे कि क्या बताएं। लेकिन आप लोग जो है वहां से कोई काम नहीं करवा रहे हैं, ये हम चाहते हैं। फिरमिन भी नहीं आ रहा है, 2 साल हो गया फिरमिन नहीं आ रहा है, वो परेशान है। जनता लोग कह रही है कि ये प्रधान जी काम नहीं करा रहे हैं और वहां से कोई पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो ये प्रधान जी कहां से कराएंगे भाई। ये हम चाहते हैं कि काम करवाएं वो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब मोदी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, कोई चीज में गड़बड़ी नहीं है। बस हम यही चाहते हैं कि काम हम लोग को दें, काम हम लोग करवाएं, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, ये थे। आइए, क्या नाम है आपका? अनीस। अनीस भाई, आप इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? युवा वोटर हैं आपके साथ, तमाम युवा लोग हैं, आप किसकी सरकार चाहते हैं? गठबंधन। क्यों, आखिर क्यों? मोदी जी ने तमाम काम किए, राशन दिया, सड़कें बनवाई, आवास दिया, इसके बावजूद आप? सब कुछ तो दिया, मगर ये जो गाय बछवा है ना, ये सब नुकसान फैला रहे हैं। जैसे खेत में कुछ बो तो सब चर लेते हैं, खा लेते हैं, फिर बो फिर चर लेते हैं, खा लेते हैं, तो इसका सबका भुगतान कौन करेगा? छात्र जिसे बोलना चाहते हैं, इसका सबका जैसे नुकसान होता है, तो ये सब क्या होगा इसके आगे? गांव वालों का कहना है कि इस बार मोदी सरकार। हालांकि लोग कुछ लोग को नाराजगी है कि गांव में छुट्टा आवारा जानवर जो है उनके खेतों को परेश में चरते हैं और उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर कोटेदार जो गल्ला देता है वो काफी कम मात्रा में देता है, इस वजह से थोड़ी बहुत नाराजगी है, लेकिन मोदी की गारंटी पे सब लोग तैयार हैं। तीसरी बार मोदी सरकार को देखना चाहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।